करते हैं, भूख मारते हैं, भूख पीछे करते हैं, वहाँ नहीं खेलना नहीं, नहीं, नहीं। ये वाला बाहर से हल्का है ना, अंदर से तो अच्छा है। बांटे कहाँ? हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया है। आज से सबसे पहले नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमें मम्मी को लेके जाना है एमएच के बाद। प्रकाश कह रहे हैं कि प्रहान को एनिमल्स बहुत पसंद है, लाइक उसको जहाँ कहीं भी दिखते हैं ना तो बंदर और गाय भैंस देखता है तो माँ माँ ऐसे करने लग जाते हैं, उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं जानवर। जब वो छोटा था तो आपने देखा होगा व्लॉग, मैंने उसे जू लेके गई थी, पर उसे तब कुछ वो ही नहीं था, मतलब नहीं उसको अच्छा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो इतना वो उसने एंजॉय नहीं किया। तो प्रकाश जब से हम देहरादून आए हैं तो तब से कह रहे हैं इसे जू लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिश वगैरह इसको सब चीज़ें पसंद है, देख के वो बहुत खुश हो जाएगा। तो वैसे तो मुझे पता है हॉस्पिटल जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ओवर रेडी हो रखी हूँ, बट अगर वहाँ से जू गए तो फिर है ना, तो वहाँ के लिए तो रेडी होना ही पड़ता था, तो मैं रेडी हो ही गई हूँ, तो अब देखते हैं। और वैसे आज काम भी बहुत सारे हैं, शायद हम शॉपिंग भी जाएं प्रहान के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो उसके पास कुछ आजकल के लिए है नहीं जो हल्का सा गर्म हो, पतला सा कुछ ना ऐसा भी देखते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ और हम बस घर से निकल रहे हैं, तो जहाँ भी जाएंगे मैं व्लॉग तो बनाऊँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ दिख तो नहीं रहा होगा ना शीशे में, बट ये मैंने आज शूज़ पहने हैं वाइट वाले, ये मुझे प्रकाश ने गिफ्ट करे थे, और शायद से ही मैंने ये ज़्यादा पहने हो, और अभी मेरे पास यही सब पड़ा होता तो मैंने ऐसा कुछ आउटफिट बना लिया है ना। और कैसा लग रहा है बताना, ठीक है? और चलते हैं अभी, बाय। जाओ फिर से जाओ जाओ जाओ, मम्मा देख रही है आपको, आराम से गिरना नहीं, आराम से बेटा बैठो, फिस लो, स्लाइड करो, कम ऑन कम ऑन, उस पे आप जाओ, उस पे जाओ, मम्मा नहीं जाएगी, मम्मा के नीचे टूट जाएगा बेटा। हाँ आप बैठो, इस पे बैठो ना, डक पे बैठो, ठीक है, हाथी पे बैठो फिर, हाथी राजा तो होता ये सब। चलो आप चलो, पर है क्या ब्लैक करेंगे कार्ड उस टाइम में, नो बता रहे हैं कम से कम देर मैं यहाँ का हूँ, मेरे को भी लगता है कौन सा पसंद आ रहा है, थैंक यू ना, मुझे ये पसंद आ रहा है, पूछ लो ना, रुको ना, तीन चार सिलेक्ट करने दे, गिरेगा वो नहीं छेड़ते, भूख मारते हैं, भूख पीछे करते हैं, वो नहीं छेड़ना नहीं, नहीं कौन सी छोटी मच्छी वाले इधर भैया, ये इसका इसका प्राइस मच्छी का बांटे कहाँ, वहाँ ही रख दिए सारे, सही सही कितने का पड़ेगा, शाम को आएंगे 6 बजे कार्ड, ये बढ़िया है वैसे कंपनी की तरफ से, मैं आता हूँ कैसे करूँगा।
ये वाला बाहर से हल्का है ना, अंदर से तो अच्छा है। ये बाहर से भी अच्छा लग रहा है, और होंगे डिजाइन देख लेंगे, टेन में तो सुंदर है ना। नहीं वो सब वो कर देंगे, यहाँ पर नेम वगैरह और चिट वगैरह वो तो प्रिंट हो जाता है सारा कुछ, वो सब यहीं छप जाएंगे मम्मी। ये फैंसी भी लग रहा है, अच्छा भी है। और भी है भैया डिजाइंस? टेन दो है, टेन टन बस यही है। बारह वाले में दो नहीं, और बारह में कोई और पैटर्न? ये क्यों नहीं बढ़िया लग रहा है, तो लिफाफा लग रहा जैसे। ये भी अच्छा लग रहा है ना, इसमें इसमें दूल्हा दुल्हन बनी हुई, इसमें दूल्हा दुल्हन ये अंदर का ये तो कितने का है, तो हिसाब लिख रहा है भैया ये वाला ही फाइनल कर दो आप, सारा आज ही पढ़ लेगा ये। एक ही नंबर आएगा, एक ही नंबर ठीक है, एक अपना डाल दो एडिशनल में सब बस चलना चाहिए बस ठीक ये भाई समस्त रावत बंधु हूँ। गाइस घूमने तो कहीं गई नहीं, पति कहीं लेके नहीं गया फिलहाल, पहले मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और उसके बाद सारी बातें बताती हूँ। कढ़ी चावल बना रही हूँ मैं, अभी दही लेके आई हूँ। हाय गाइस, तो अभी लंच हमने कर लिया है, बहुत लेट में क्या था तो मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। मैंने सुबह बोला था कि आ रही हूँ मैं, मैंने सुबह बोला था कि हम घूमने जाएंगे, बट नहीं हो पाया क्योंकि पहले हम गए थे हॉस्पिटल, मम्मी को मम्मी का दर्द हो रहा था, उनका चेकअप करवाया बट सब नॉर्मल था, और मेरा सर्वाइकल है तो उसका मैंने री चेकअप के लिए गई थी, तो आज भी फिर वही प्रॉब्लम, आपको पता ही है मेरा ये देखो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, ऐसे गर्दन पीछे से मेरा हम्प बन रहा है ना सर्वाइकल की वजह से, तो फिर थेरेपी करवाई, अभी एक हफ्ते तक लगातार करवानी है, और फिर हम घर आए तो इस चक्कर में बहुत लेट हो गया था। एंड हाँ, शादी के कार्ड छपवा लिए हमने, भैया की शादी है आप लोगों को मैं बता दूं, और आ गई डेट, मैं अभी तभी बताऊंगी जब डेट पास आएगी, अभी तो काफ़ी टाइम है, बट कार्ड हमने छपवा लिए हैं। हाँ तो मैं बात पूरी नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे प्रकाश बुला रहे थे, कहा व्लॉग बना रही हूँ, तो हाँ मैं कह रही थी कि अभी पंकज भैया की शादी है तो आज हम उनके कार्ड सेलेक्ट करने गए थे, और हमने कार्ड छपवाने के लिए भी दे दिए हैं, और प्रकाश मुझे इसलिए बुला रहे थे क्योंकि प्रहान ने हमारा फ्रिज है जो उसकी लाइट ख़राब कर दी है, क्योंकि वो बार बार फ्रिज के अंदर बैठा रहता है, उसको पता नहीं क्या शौक है फ्रिज के अंदर बैठे रहने का, अगर फ्रिज खुला दिखेगा तो वो तुम्हें उसी के अंदर मिलेगा, तो बस उसमें छेड़ छेड़ के उसने उसका बटन दबा दबा के फ्रिज का जो लाइट है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमने कंपनी वाले बुलाए थे तो उन्होंने आके देखा, और हम आपने व्लॉग में भी देखा था होगा कि हमने इन्वर्टर भी ख़राब कर दिया था गलत तार जोड़ के, तो फिर हमने कंपनी वाले को कॉल किया था, तो वो भी आए थे आज, तो उन्होंने हमारा इन्वर्टर फिक्स कर दिया है, वो ठीक हो गया है, अंदर जो उनके कुछ दो ऐसे वायर थे वो शॉर्ट हो गए थे, फ्यूज़ खुजली खुजली हो रही है यार, बहुत एलर्जी हो रही है, रात को खाएंगे दवाई, तो वो फ्यूज़ हो गए थे, वो हमने ठीक करा लिए हैं। वैसे तो आज हमें शॉपिंग पे भी जाना था, मैं सुबह बोल रही थी, बट अब इतना थक गए हैं ना तो कहीं जाने का मन नहीं है, और ये भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, इन्हें भी मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, आप तो करोगे नहीं, तो अभी शाम हो गई है, अभी मैंने कपड़े चेंज, जस्ट मैंने कपड़े चेंज किए, अभी तक मैं बस एडिटिंग कर रही थी और लेटी हुई थी, सोचा हम सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, बट अभी मेरी बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, बहुत थकान हो गई है, तो अभी रेस्ट ही करते हैं आज और देखेंगे कल। तुम क्यों मुझे घूर रहे हो? चलते हैं, मैंने बर्तन भी है पड़े धोने के लिए, हाँ अभी सो रहा है तो मत उठाओ, फिर रोए कर रहे हैं, दोपहर उठ जाएगा, दस मिनट में चलते हैं ना, बैठ जाओ तब चलते हैं बगल में। तो आज गाइस मम्मी का फास्ट भी है, तो अभी बस इधर प्राण भी सो रखा है तो इसलिए मैं यहीं बैठी हूँ,
फिर अभी चलते हैं, मम्मी के लिए कुछ बनाएंगे रात का। और 5 तो बज ही चुके हैं, तो आज मैं जल्दी बना लूँगी खाना। और मैं आजकल इतना बिजी हूँ ना कि बस मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन देखती ही नहीं हूँ, मुझे कहीं पर भी कुछ भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है। बट मैं आप लोगों को पूछना चाह रही थी कि आप लोगों ने जो मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा, जो मोंटी ने मेकअप किया था, आप बताना आपको कैसा लगा। मैं उस दिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाई पूरा, तो मैं पूछना भूल गई, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो उसको DM कर सकते हो आप लोग, ये कमेंट कर सकते हो। पर आज का दिन बहुत हैक्टिक था भाई, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए। और कल से मुझे थेरेपी पे भी जाना है, वेट लूज़ भी करना है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपको वेट लूज़ करना है, और जब वेट लूज़ होगा तभी जाके थोड़ा सा दर्द कम होगा। और मैं हर दिन सोचती हूँ वेट लूज़ करूँगी, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। आई डोंट नो, एक तो प्रहान की वजह से ना यार, एक तो इतना परेशान करता है, इतना स्ट्रेस होता है। मुझे लगा था घर आके मैं इतना चिल रहूँगी, रिलैक्स रहूँगी, यहाँ मेरा पीछा छोड़ देगा, यहाँ भी मेरे पीछे 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 रहता है, यहाँ भी नहीं रह रहा किसी के पास, है ना। दूसरा ब्रेस्ट फीड करता है, तो मैं खाती हूँ खाना, उसके 10 मिनट बाद मुझे भूख लग जाती होगी, जब मैं खाती हूँ वो सारा मेरा बेटा भी मुझसे निकाल के खा लेता है। तो इसी सब वजह से ना वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आई हैव टू डू इट, क्योंकि सबने कर लिया है यार, शायद मुझे लग रहा है सभी ने कर लिया है, मैं ही एक लेथार्जिक बनी हूँ कि बस। और मेरा पता है, एक बात बताऊँ, वेट मेरा कहीं से भी गेन नहीं हुआ, पता है। वैसे मेरा जो जितने भी मेरे कपड़े हैं वो सारे मुझे फिट होते हैं, प्रॉपर वैसे फिट होते हैं, बट अब मेरा ना यहाँ से वेट बढ़ गया, ये अपर बॉडी होती है ना, यहाँ से मेरा वेट बढ़ रहा है, और ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा। तो बस अब मुझे ये लूज़ करना है, और ये तभी ठीक होगा जब वेट लूज़ होगा, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, 5 kg तो मुझे डाउन करना है, उसके बाद तो ठीक है, इतना तो चलेगा। अभी प्रांत सो रखा है, इसके बाद आज शाम को कुछ बनाते हैं अच्छा सा। और आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और आपको आगे क्या देखना है वो भी कमेंट करना, ठीक है। क्या क्या ये डालू, पूरी डाल, आप डाल रहे हो, डालो, मैं बेलती हूँ, फिर मैं बेल रही हूँ। सिचुएशन ये है, और मालिक सेक रहे हैं, ये स्टाइल देखो अपनी, तेल गिर जाता है ऐसे में मेरे पे तो। हाँ, आप क्या कर रहे हो, खाना को भोग लगा रहे हो, हो इसको दे। प्रहान तो क्यों ऐसे करता है बेटा, चलो आप लगाओ भूख, फिर हम और बना रहे। बेलूं और ऐसे घुमा के क्या डाल रहे, तुम अपने हाथ में मत गिरा देना। ये जा रहा है भूख के लिए, वो कद्दू ले लो, दूध ले जा रहे हो बस, ठीक है। तो गाइस आज बन रहा है मटर पनीर पूरी एंड कद्दू की सब्जी, है ना। तो गाइस डिनर कर लिया है, और आजकल हम इस वाले रूम में सो रहे हैं, अपने बेडरूम में नहीं सो रहे हैं, क्योंकि उधर हमको पता नहीं ईचिंग सी हो रही है, पता नहीं क्यों, और एलर्जी भी हो रही है, आप देख सकते हो पूरे बॉडी में, तो उसके लिए भी हमने मेडिसिन ली है। तो अभी हम दोनों को ही हो रही है, प्रकाश को भी और मुझे भी, जब से हम यहाँ आए हैं देहरादून तब से ही मेरे को तो उसी दिन से खुजली होना शुरू हो गया था, बट प्रकाश को तो अभी 1-2 दिन से ही है, तो हमने लाई है दवाई। तो अभी पहले मुझे भी दवाई खानी है, प्रहान को भी दवाई खानी है। ये सारी हैं, ये तो प्रहान की हैं, ये दोनों मेरी हैं, और एक सिट्राजिन है एलर्जी के लिए, वो खा लेंगे। तो बस अब मैं थोड़ा अपना स्किन केयर करती हूँ, आजकल मैं थोड़ा सा वही कर रही हूँ, मोंटी ने बोला है, तो मुझे ये एलर्जी हो रही है, तो फिर मोंटी ने मुझे बोला कि स्किन केयर कर, तो मैं आजकल थोड़ा बहुत वही कर रही हूँ, अगर फ़र्क पड़ता है तो मैं बता दूंगी आप लोगों को भी, पर पहले मैं खुद 1-2 महीना ट्राई करूंगी, उसके बाद। तो चलो फिर ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, आप लोगों को कल मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।